आज मैं आपके लिए आलू के पराठे लेकर आई हूँ जो हम साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और पराठे बनने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। ये मैंने लिया है, ये एक दाल का पेस्ट है। इसको अगर हम आटे में ऐड करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनेंगे और हर बाइट में आपको क्रंच आएगा। तो ये है उड़द दाल का पेस्ट, मैंने भिगो लिया था और भिगो के मैंने उसे अच्छे से बारीक पेस्ट बना दिया है मिक्सर में ग्राइंड करके। तो पहले मैं इसे ऐड कर पानी डालने से पहले, आप देख सकते हैं इसमें कि कितना बारीक पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम ये इसमें धनिया पाउडर ऐड, धनिया हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमें नमक डाल, थोड़ा सा बस। और अब आटा कर लेती हूँ। तो पानी आप उतना डालें जितनी आपको ज़रूरत है, अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना डालें। फ्रेंड्स, ये आटा मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैं इसे थोड़ा सा चिकना करने के लिए मैं इसमें एक ऑयल डालूँगी, रिफाइंड ऑयल डालूँगी। ये भी देखो आपके आटे को चिकना भी कर देगा और दूसरे इससे फटेंगे नहीं पराठे, और तीसरे ये भी ये क्रिस्पी बनाना है पराठों को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आटा मेरा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं सर कलर भी कितना वाइट है। बहुत से लोग पराठे को क्रिस्पी करने के लिए उसमें चावल का आटा या मैदा या कॉर्नफ्लोर जैसी चीज़ डालते हैं, तो हम वो कुछ ही डालेंगे क्योंकि हम इसे साउथ इंडियन टच दे रहे हैं। तो हमने आटे में उड़द दाल डलती भी है और उससे डल भी आया है, ये वाइट भी हो गया, इसे क्रिस्पी भी बनेगी और पराठे भी इसे फटेंगे नहीं। तो चलिए अब मैं इसकी भाजी बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें फिलिंग के लिए जो भाजी बना रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने ये नहीं, क्योंकि हम ये साउथ इंडियन स्टाइल में बनाए हैं, तो मैं सरसों के बीज डालूंगी। उसके बाद हमने ये करी पत्ता डाल देना है, करी पत्ता मैंने चॉप कर लिया है ताकि जो पराठे को फाड़ ना दे देखते टाइम। हरी मिर्ची और फिर ये आधा अनियन मैंने चॉप किया है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ये आलू डाल देती हूँ। प्याज आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं फ्राई करनी है, कम आँच करके आलू डाल दीजिए। थोड़ा सा चीनी पाउडर, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली हुई है, तो थोड़ा सा सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी भाजी तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही बारीक मैश कर दिया है। ये फिर अच्छे से जब मैश होगा तो पराठे से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप इसी तरह से करके और रख लें, और मैंने आप देख सकते हैं मैंने नॉन स्टिक का तवा रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, और अब मैं अपने पराठे बेलना शुरू करती हूँ। तो मैंने ये आटा ले लिया है, अभी बहुत अच्छा हो गया है और चिकना भी हो गया है। फिलिंग आप जितनी चाहें उतनी भर सकते हैं, तो मैं जितना आटा ले रही हूँ उतनी ही फिलिंग। फिलिंग भरने के लिए आप इसे पहले एक बॉल फॉर्म में कर दें ताकि एक दूसरे से जुड़ जाए, उसके बाद आप फिल करें। सो फ्रेंड्स, चलिए मैंने अपना ये पराठा बेल लिया है और मैं इसे सेक लेती हूँ। और ध्यान रखना है आपको इसे हल्के आँच पे सेकना है, क्योंकि अभी हमें और हम हल्के आँच पे सेकेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो आपको तेज़ आँच पे नहीं सेकना है, और मैं देसी घी ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं इसको सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो गया है, और ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें उड़द दाल डाली थी, तो उसकी वजह से ये ऑयली भी नहीं रहेगा। और अगर किसी वजह से आपका पराठा फट भी जाता है कहीं से, तो इसका बैटर या पोटैटो बाहर नहीं आएगा क्योंकि उड़द दाल उसे रोके रखेगा, वो एक बाइंडिंग कर लेता है आटे में, इसकी वजह से वो बाहर नहीं आएगा। तो मैं अब आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी क्रंची आलू पराठा रेडी हैं, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना क्रंची है, और ठंडा होने के बाद भी इसमें क्रंच ऐसे ही रहने वाला है। इसमें उड़द दाल का पेस्ट लिया है
उसकी वजह से क्रंच इसमें एंड तक रहेगा, वेदर ये ठंडी भी हो जाए तो। अगर आप बच्चों को टिफिन में देते हैं तो भी उनको वही स्वाद आएगा जैसा गर्म में आता है। तो आप इसे बनाइए अपने घर में और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।